सर मेरा आप तीनों से ये सवाल रहेगा कि हाउ एसेंशियल इट इज टू हैव अ सेलिब्रिटी फेस फॉर लाइक यू नो फॉर अ बिगर लेवल कैंपेन और इस लेवल के कैंपेन को प्रमोट करने के लिए. नाम से ही आपकी पहचान है, आपके चेहरा, आपका नाम, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आप किस समाज से हो, किस देश से हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप नाम से ही तो जुड़े हुए हैं. उसकी उसकी गरिमा पे आप कभी प्रश्न नहीं कर सकते. और आप ही लोगों ने तो दिया है उसे, किसी और की तरफ से तो आया नहीं है. आप तब तक तो नहीं स्वीकारते जब तक वो स्वीकारने के योग्य नहीं होता. तो योग्यता जिसमें है और आप लोगों की तरफ से उसे दिव्यता या उसे ये कहिए कि तारीफ हुई है या समाज में उसको एक जगह मिली है, तो वो तो आप ही की वजह से मिली है. तो उसमें तकलीफ तो नहीं है, इसमें मुझे अच्छा ही है. काफ़ी अच्छी बात है सर. हाँ, औरों को भी माल कमाने का मौका दो यार. है उसमें आपका ये प्रश्न बहुत इसकी सूची बनाई है पूरी ऐसे कई प्रश्नों की और ये समक्ष रख दीजिए ताकि उस उपलक्ष्य में ये लोग को जो भी सोचना है वो अभी शुरू किया है तो सोचने वाले हैं वो लोग. एग्जीक्यूशन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप सुनील से पूछ सकते हैं, एब से पूछ सकते हैं, जैसे ये कैसे काम करेगा. जी जी जी. अब दुल्हा दुल्हन से आप थोड़ी ना पूछेंगे कि शादी की तैयारी कैसे की. आज की वॉट एवर मेक्स यू फेमस इन विच एवर सोर्सेज यू वॉन्ट टू बी स्पेशली वेर यू आर यू वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद बिजनेस तो यू शुड बी थैंकफुल. एंड ये तो मनोरंजन के माध्यम से शुरू हुआ था, तभी लोगों ने शायद ही सोचा था कि ये इतना बड़ा विषय हो जाएगा. और आज कैसे कैसे कलाकार निकलते हैं जो टॉप पे आ जाते हैं, गली कूचों से देश से निकलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है. तो वजह तो यही लोग हैं. तो मुझे मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है जहाँ मैं अपनी माता जी के साथ वो तानपुरा और बाजा ले के साथ साथ में घुमा हूँ. तो इनके ऑफिसेस के बाहर हम लोग जिस वक्त रहा करते थे तभी आकाशवाणी उस तरफ जाया करिए आप, तो बहुत समय लगता था. अगर साहब अभी बिजी है मिलेंगे नहीं, टाइम लगेगा, तो 3-4 घंटा हम लोग बाहर बैठे रहते थे. तो आज तो अच्छी आवाज़ आई कि वो लोगों की तो निकल पड़ती है, कहाँ कहाँ से स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं. आप ही लोगों की वजह से मिलते हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम ना. धन्यवाद देता हूँ मैं तो ऐसे लोगों का. जो जो स्ट्रगल करेगा उसको सीट भी मिल जाती है लोकल ट्रेन में, तो उसका वो उसे भी कहता है कि यार भैया बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा है. क्या ना मैं पर्सनल टॉक कर सकता हूँ? हाँ, यू अलाउ मी? या या, क्योंकि बिग एफएम में इसमें आया धमाका में पर जो पर्सनल टॉक किया जा रहा है. तो मुझे मैं ये सच कहूँ, मैं बहुत ही गरीबी के तबके से आया हूँ. हालांकि मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी का बहुत नाम रहा एज अ क्लासिकल आर्टिस्ट, तो हम खाना खा पाए और ऐसी उसकी कभी तकलीफ उस तरह से नहीं हुई हमें. परंतु छोटा परिवार में होने के नाते मैं हर किराना माल की दुकान के बाहर जाके खड़ा रहता था, और क्योंकि हम उधार का पैसा नहीं दे पाते थे तो मुझे बहुत देर तक खड़ा रखा जाता था. तो मैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाहर खड़े हैं, अरे सेठ जी, अरे यार दे दो यार, काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ, अभी मुझे ये काम है, उधर वो करना है, पढ़ाई करेंगे या करना है, खेलना है वगैरह. खड़े रहो, अभी तुम्हारा पैसा आया नहीं है, कितना महीना हो गया इसका, वो निकालता था, हिसाब निकालता था. तो ऐसे में आप समझिए कि हर वो चीज़, हेलो प्रणाम, अच्छा फ़ोन पे है, फाइन. तो मैं ऐसे में समझिए आप कि मुझे लगता है जो नहीं जी आखिरी हो आपकी बेटे का डेब्यू करने वाले बॉलीवुड में कुछ तैयारी आप करवा रहे हैं अपनी बेटी से, कुछ अगर आपका. मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत पूजा प्रार्थना की, शायद ही किसी मंदिर मस्जिद या कोई ऐसा चर्च हो जहाँ पर मेरे लिए. मैं 14 साल से 21 साल तक मैं पानी भी नहीं पीता था जब तक हनुमान जी के तिल तेल ना चढ़ा दूँ और शिव जी के जल ना चढ़ा दूँ. तो जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ. मैं जहाँ जाया करता हूँ, जिस मंदिर में जहाँ उपस्थिति देने जाता हूँ, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और सदैव करता ही हूँ. और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा आगे निकले और बहुत टॉप पे आए और वो समय फिर आए जिसमें हम इन फिल्मों के माध्यम से दैविक
दैविक कृपाएं उनमें भी देखा करते थे, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम उस समय में फिर आए, और वो तब आएगा जिस वक्त वाकई वो दिव्यता की तरफ हम आगे निकलेंगे। अभी तो हम आगे कैसे निकले उस पर पुनः पुनः प्रश्न होते हैं, अच्छा है वो भी होना चाहिए, नॉट बैड, ऐसे भी होना चाहिए।